जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको भारतीय प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है उससे संबंधित है। और ये तथ्य जो है आपके एग्जाम में क्या होते हैं कि बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो के बने रहेंगे ताकि इससे पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न होंगे वो आपको एग्जाम में आपको परेशानी का सबब ना बने। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज भारत के जो पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन पर आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, और ये भारत के प्रधानमंत्री कब तक रहे थे इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री पद पर 1947 से 1964 तक है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे 1947 में, और इनका जो कार्यकाल खत्म हुआ था कब हुआ था 1964 में, अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इन चीजों को भी आपको समझना है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि आपको 1947 में प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 को, और इनका प्रधानमंत्री पद पर ही मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। तो देखिए, तो सबसे पहले इनका कार्यकाल, ठीक है ना, तो वो आपको 15 अगस्त 1947 से आपको 27 मई, क्या है 27 मई, ठीक है ना, 1964 तक इनका प्रधानमंत्री पद पर क्या है कि आपको कार्यकाल है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 15 अगस्त 1947 को, और इनका पद पर जो आपको मृत्यु हुई थी कब हुई थी 27 मई 1964 को। इसका मतलब यह हो गया कि आपको सर्वाधिक समय तक अब तक, ठीक है ना, अब तक की हम बात करें कि सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले जो व्यक्ति है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यानी कि सर्वाधिक इनका क्या है, लंबा कार्यकाल है। तीन चीजों को भी याद रखिएगा कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाला जो प्रधानमंत्री है वो आपको कौन है, तो हम क्या कहेंगे तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा अब तक, तो हम क्या कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो भारत की जो विदेश नीति है, ठीक है ना, वो आपको गुटनिरपेक्ष है, क्या है गुटनिरपेक्ष है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है गुटनिरपेक्ष है, ठीक है ना, तो इस गुटनिरपेक्ष नीति का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किन्हें कहा जाता है, पंडित जवाहर लाल नेहरू जो थे वही आपको क्या थे कि भारत के विदेश नीति के आधार स्तंभ को क्या किए थे कि आपको रखे हुए थे। तो प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, तो गुटनिरपेक्ष है, और इस गुटनिरपेक्ष नीति के जनक कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम क्या कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहेंगे, ठीक है ना। इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। एक चीज और भी याद रखिएगा कि इनके जन्म दिवस को क्या है कि आपको 14 नवंबर, ठीक है ना, यानी कि इनका जो जन्म दिवस है कब है 14 नवंबर है, और 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको यानी कि राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस। आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, यानी कि जो आपको जन्म दिवस है उसी पर मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय बाल दिवस। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या कहना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 1947 में, और कब तक रहे प्रधानमंत्री के पद पे, तो आपको 1964 में। फिर है कि 15 अगस्त 1947 से ये आपको 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर है, याद रखना सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। भारत की जो विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष, इसके भी जनक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। इनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। तो फिर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि पंडित नेहरू की जो मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी मृत्यु हुई थी, वो कब हुई थी, तो वो आपको 27 मई 1964 को हुई थी। कब हुई थी 27 मई 1964 को। और पंडित नेहरू से एक चीज और भी याद रखिएगा, क्या कि पंडित नेहरू जो है, ठीक है ना, इनके खिलाफ सबसे पहले आपको अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वे प्रधानमंत्री थे आपको पंडित नेहरू, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना, यानी
अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही लाया गया था, ठीक है ना। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो था सबसे पहले आपको लाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है पंडित नेहरू के खिलाफ कौन लाया था, तो वे आपको यानी जेवी कृपलानी लाए थे। कौन लाए थे? जेवी कृपलानी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, जेवी कृपलानी, ठीक है ना। फिर प्रश्न कर लिया जाएगा कि कब लाया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो कब लाने की अगर बात होगी तो हो जाएगी आपको 1963 में। कितना में? 1963 में। तैयार रहेगा कि पंडित नेहरू के खिलाफ जो आपको जेवी कृपलानी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे वो कब लाए थे? तो ये आपको 1963 में लाए थे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर चलिए अब हम चर्चा करेंगे आपको यानी कि गुलजारीलाल नंदा पर, ठीक है ना। तो गुलजारीलाल नंदा जो थे भारत के क्या थे कि आपको प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि गुलजारीलाल नंदा के बारे में कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्या है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। तो भारत के जो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे? तो वह आपको गुलजारीलाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? गुलजारीलाल नंदा थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये वही गुलजारीलाल नंदा है, ठीक है ना, जो आपको योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। यानी कि योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो आपको गुलजारीलाल नंदा ही थे। कौन थे? गुलजारीलाल नंदा ही थे, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। और गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर मात्र 13 दिनों तक रहे। कितने दिनों तक रहे? 13 दिनों तक रहे। इन चीजों को याद रखना है कि गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कितने दिनों तक रहे? तो आपको मात्र 13 दिनों तक रहे। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। अब आइए कि यहाँ से बात होगी कि चलो भाई कि गुलजारीलाल नंदा को पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से बात आई कि पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो इस रेस में आपको 3 व्यक्ति थे। क्या थे? 3 व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो इसमें जो पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद जो आपको सबसे जो आपको कांग्रेस में जो मजबूत नेता थे, दूसरे नंबर के जो नेता थे वह थे आपको मोरारजी देसाई। यानी कि एक नंबर में कौन थे? तो आपको मोरारजी देसाई, ठीक है ना। कि सबको उम्मीदें थी कि ये जो है आपको कि पंडित नेहरू उनकी मृत्यु हो गई तो प्रधानमंत्री का जो पद मिलेगा वो आपको मोरारजी देसाई को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए, और ये इसके क्या थे? काबिल भी थे, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। और दूसरे नंबर में पर इनका क्या था कि महत्व था पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद, ठीक है ना। यानी कि पंडित नेहरू जो थे पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे मोरारजी देसाई, ठीक है ना। इसके बाद एक नेता और थे जिनका नाम था आपको जगजीवन राम। क्या नाम था उनका? जगजीवन राम, ठीक है ना। और तीसरा व्यक्ति जो था एक जिसका नाम था आपको के कामराज। क्या था? के कामराज, ठीक है ना। तो देखिए, तो पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद क्या था कि आपको नेहरू के उत्तराधिकारी चुनने में जो सबसे बड़े रोल अहम किए थे, ठीक है ना, वो आपको के कामराज किए थे। कौन किए थे? के कामराज किए थे। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो के कामराज है, ठीक है ना, इसने ऐसा क्या रोल किया था? सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए कि आपको तमिलनाडु में जो राज्य है उसके ये मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ठीक है ना। और पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद ये आपको पार्टी के क्या थे कि अध्यक्ष भी बने। क्या हुए? अध्यक्ष भी बने, ठीक है ना। तो पार्टी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पंडित नेहरू के उत्तराधिकारी चुनने में अहम रोल अदा किए थे, ठीक है ना। तो अगर ये चाहते तो स्वयं भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको मोरारजी देसाई को भी क्या था कि प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन मोरारजी देसाई जो थे, ठीक है ना, वो आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। और के कामराज को लगा कि अगर इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो यह किसी की सुनेगी नहीं। क्या होगी? सुनेगी नहीं, ठीक है ना। दूसरा हुआ कि जगजीवन राम को अगर बनाया जाए तो ऐसे में जगजीवन राम को बना दिया जाएगा तो आपको इसमें वरिष्ठता का उल्लंघन होगा। कहने का मतलब होगा कि मोरारजी देसाई जो थे कहीं आपको जगजीवन राम से ज्यादा कदावर नेता थे, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ था कि नेहरू के उत्तराधिकारी चुनने में के कामराज ने अहम रोल अदा करते हुए क्या किए थे कि आपको लाल बहादुर शास्त्री को क्या किया कि आपको प्रधानमंत्री के पद पर चुने, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि नेहरू के राजनीतिक अधिकारी चुनने में किसने अहम रोल अदा किया था? तो के कामराज। और के कामराज जो कि पार्टी के अध्यक्ष थे और इनके मतलब प्रयास से क्या हुआ था कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को, किनको? लाल बहादुर शास्त्री जी को
प्रधानमंत्री के पद पर क्या हुआ कि आपको मतलब कि बैठाया गया, अर्थात प्रधानमंत्री पद जो है वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। तो प्रधानमंत्री पद पर इनका जो कार्यकाल है ये आपको 1964 से 1966 है, तो इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना, कि लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या है, तो 1964 से 1966 है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी से कि बताइए कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो कौन दिया था, तो याद रखिएगा कि जय जवान क्या है, जय जवान, ठीक है ना, जय किसान क्या है, जय किसान, इसका जो नारा दिया था वह आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिए थे। कब दिए थे, 1965 के भारत पाक जो युद्ध हुआ था इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किए थे कि आपको जय जवान और जय किसान का क्या कहते हैं आपको नारा दिए थे। तो जब प्रधानमंत्री पद पर क्या हुआ था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना गया था, उस समय देश में उनकी ज्यादा इमेज नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि 1965 के युद्ध जब यह जीते, ठीक है ना, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की ख्याति जो थी वो आपको पूरे क्या हुआ था कि इंडिया में फैला, सभी लोग इनको जान गए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल है कब से कब है, तो 1964 से 1966, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे, तो वे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सबसे अहम रोल जो अदा किए थे वो आपको किस प्रधानमंत्री ने किए थे, ठीक है ना, यानी उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और एक चीज याद रखिएगा कि रेल दुर्घटना के कारण नैतिकता के आधार पर जो आपको त्यागपत्र देने वाला जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, वह आपको प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो प्रथम व्यक्ति थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि रेल दुर्घटना के कारण नैतिकता के आधार पर, ठीक है ना, कि रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री पहले रेल मंत्री कौन थे, तो हम क्या कहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना। और देखिए 1965 के जो भारत पाक युद्ध है उसका जो अंत हुआ था वो आपको तस्कंद समझौता द्वारा हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तस्कंद समझौता, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, 1965 के जो भारत पाक युद्ध है उसका अंत जो हुआ था किस समझौते द्वारा हुआ था, तस्कंद समझौते के द्वारा। तस्कंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था और यह समझौता आपको भारत और किसके बीच हुआ था, तो आपको पाक के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो भारत की ओर से जो थे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के ओर से जो था वो आपको जनरल अयूब खां थे, कौन थे, अयूब खां थे, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था कि 10 जनवरी 1966 को तस्कंद समझौता हुआ था, और तस्कंद जो है, ठीक है ना, जो अभी आपको उज्बेकिस्तान है उसकी क्या है कि आपको राजधानी है, और उस समय वो सोवियत संघ का क्या था कि आपको हिस्सा था। तो यहाँ से अगर प्रश्न कर लिया जाए कि बताइए तस्कंद समझौता कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1966 को किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाक के बीच हुआ था, ठीक है ना। भारत के किस प्रधानमंत्री तस्कंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लाल बहादुर शास्त्री, जबकि अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान के, ठीक है ना, तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपको जनरल अयूब खां, ठीक है ना। और इसी समझौते के बाद क्या हुआ था कि आपको 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हो जाती है, तो 11 जनवरी 1966 को, ठीक है ना। और यह प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु आपको विदेश में हुई, क्या हुई है, विदेश में। तो अब तक देखिए कि प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले जो व्यक्ति है वो कौन कौन है, तो सबसे पहले आपको कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो हो जाएंगे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री, कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री और है जो कि आपको श्रीमती इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी के बारे में हम चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इंदिरा गांधी के बारे में सारे चीजों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ।